तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने कैमरे को रीसेट कर सकते हो अगर कभी सेटिंग्स बिगड़ जाती है, या फिर आप अपने कैमरे को थर्ड पर्सन को दे देते हो तो उसने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग काफ़ी सारे ऐसे सेटिंग कर ली जो आपको ज़रूरत नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या सेटिंग उसने किया है। तो आप सिंपली किसी सिंगल फंक्शन को अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, और ऑल कैमरे को डिफ़ॉल्ट रीसेट करना चाहते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप कर सकते हो। तो सिंपली आपको मेन्यू बटन को प्रेस कर लेना, और अगर आपको सिर्फ सिंगल फंक्शन को जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो शूटिंग मेन्यू को रीसेट करना है तो सिंपली देखिए ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहला रीसेट फोटो शूटिंग मेन्यू, इसको करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। मूवी शूटिंग मेन्यू को रीसेट करना चाहते हो तो सबसे पहला ऑप्शन वो देखने को मिल जाएगा, या फिर कस्टम को करना चाहते हो तो सबसे टॉप में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे रीसेट करोगे तो सिर्फ फंक्शन ही रीसेट होंगे और कैमरे में कोई रीसेट ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फंक्शन रीसेट होगा। तो दोस्तों रीसेट करने से पहले मैं अपने कैमरे की सारी सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। शटर स्पीड देख लीजिए, अपर्चर देख लीजिए, आईएसओ देख लीजिए, और आई बटन पे भी मैं प्रेस करके सब कुछ आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट की हुई है, चाहे वो पिक्चर कंट्रोल्स हो या फ्रेम साइज़ हो। सिंपली आपको फिर से क्या करना है कि सब कुछ आपने देख लिया है कि क्या क्या सेटिंग अभी एक्टिवेट है, तो दोस्तों सिंपली आपको मेन्यू बटन को प्रेस करना है। मेन्यू बटन को प्रेस करने के बाद सेटअप मेन्यू पर चले जाना है, और सेटअप मेन्यू पर जाने के बाद सबसे नीचे नीचे मिलेगा आपको ये फर्मवेयर वर्जन के ऊपर मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग्स, यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले लिखा है डू नॉट रीसेट, फिर लिखा है रीसेट। रीसेट में जैसे ही आप प्रेस करेंगे मतलब अगर इसको आप रीसेट कर देंगे तो कोई भी सेटिंग वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो जब मैंने इसको ओके कर दिया है सिंपली आप अपने कैमरे को एक बार ऑफ करेंगे, ऑफ करने के लिए बोल रहा है आपका कैमरा। ऑफ करने के बाद आप सेटिंग्स आप देखेंगे तो जो मेरी वीडियो में लगा हुआ है यहाँ पे देखिए, शटर स्पीड देखिए, अपर्चर देखिए, आईएसओ देखिए, पूरी तरह से रीसेट हो गया। तो दोस्तों कैमरे के और भी सेटिंग्स जानने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ऑल पे क्लिक कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।